अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। साइकिल अखिलेश यादव मोदी का नरेटिव है इसमें। अखिलेश बाबू ना लड़िया, हमारा राजनीति का चैलेंज है। 40 साल का तजुर्बा कहाँ हुई ये बताइए, कौन सी चीज निकाल सकती है सब बताइए। बताइए नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार देना है। राहुल विश्वकर्मा नाम है, वर्तमान में मंडल उपाध्यक्ष हूँ भाजपा युवा मोर्चा का। अच्छा, हाँ भाजपा युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष है। मंडल, हाँ मंडल। मोदी जी आए थे, मोदी जी तो क्या कहें, कुछ कहें कि नहीं? मोदी जी ने कहा है कि जो ये क्या कहा जाए 400 का आंकड़ा है, इस बार हम लोग को पार करना है। 400 का आंकड़ा पार करना है। उधर महागठबंधन बना हुआ है। महागठबंधन का कोई मायने नहीं है। आप तो एक बात ये देख रहे हैं, कोई आपके पास चेहरा है प्रधानमंत्री का? एक दिन बताइए, राहुल जी बनेंगे, एक दिन केजरीवाल जी बनेंगे, ममता बनर्जी जी बनेंगी। सुनने में आ रहा है कि इतवार को छुट्टी भी रहेगी, उस दिन प्रधानमंत्री कोई नहीं रहेगा, ऐसी भी बात है। हाँ, तो दूसरी बात यह है कि चेहरा नहीं है कोई आपके पास ना उनके पास, ये है कि क्या कहा जाता है प्रधानमंत्री जी। अच्छा, मोदी जी की रैली में आप आए हैं, आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पढ़े कितना कितना कौन से क्लास तक पढ़े आप? मैं तो बीए किया हूँ। बीए किए हैं जी। कह रहे हैं लोग रोजगार वगैरह नहीं है। रोजगार के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की जा रही है। कैसे कैसे? आप ये देखिए, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना के तहत, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के योजना के तहत सभी युवाओं को, सभी लोगों को मुद्रा लोन दी जा रही है, और लोन दिया जा रहा है 50,000 रुपये तक का लोन दिया जा रहा है, और लोन आपको दिया जा रहा है, लोन आपके बिजनेस के लिए दिया जा रहा है, ये बात हम मान रहे हैं। और दूसरी बात कि बेरोजगारी जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो आपको कोई रोजगार मिला? नहीं, हमें तो कोई नहीं रोजगार मिला वर्तमान में। मैं इस चीज़ के लिए मैं बहुत हूँ नहीं हूँ कि क्या कहा जाता मुझे सर गवर्नमेंट जॉब मिले या फिर मैं कोई रोजगार। मैं खुद अपना एक फर्नीचर का बिजनेस चलाता हूँ और मैं खुद एक काम करता हूँ। चलिए, आप फर्नीचर का काम करते, फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, लेकिन लेकिन अभी वैकेंसी निकली थी यूपी पुलिस का, आरओ का, तमाम जो है सरकार में जो है पेपर लीक हो जा रहा है। वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, मेरे सरकार की। जैसे कानून चुनाव करीब है, ठीक है, चुनाव करीब है तो भर्ती निकाल दिए, बीएच में पेपर लीक करा दिए, और नौजवानों से पूछिए उनके दिल पर क्या बीत रही है, बताइए। अरे वही तो उन्होंने कहा कि क्या हमारे सरकार की यही तो नाकामी है। बस केवल इसी मुद्दे की, इसी मुद्दे को लेकर हम केवल पीछे हैं, बाकी किसी मुद्दे में अगर आप कहते कि हम उनसे पीछे हैं तो आप हमसे बताइए। वादा किए थे विकास करवाएंगे, विकास दिखाए कहाँ पर है, दिखाइए। ये क्या बना है, क्या देखने आए हैं? इनकी देन है। अच्छा अच्छा, ये कौन बनवाया एयरपोर्ट? कौन बनवाया एयरपोर्ट का? न्यू किसने रखा था आप ही बताइए, कौन सी न्यू किसने आप बताइए? न्यू यार रखे या ना रखे, न्यू कहीं नहीं, आप बता दीजिए। एक मिनट रुक जाइए, आप बताइए, पूछ रहा हूँ न्यू किसने रखा, कौन रखा है? न्यू यहाँ पर रखी थी बहन कुमारी मायावती जी, मायावती जी ने न्यू रखा, मुलायम सिंह यादव ने बनवाया, अखिलेश यादव ने उसका केवल क्या कहा जाता है सुंदरीकरण करवाया माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा। आज जो फ्लाइट उड़ने की कगार पे, और फ्लाइट उड़ भी रही है, आपको 3 तारीख से पता होना चाहिए, 3 तारीख से टिकट बुक हो रही है। और रोजगार दूसरी बात, एयरपोर्ट बनाकर मतलब और कितनी सरकार है, सरकार सुविधा दे रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन नौजवान अभी बेरोजगार है, नौजवान अभी बेरोजगार है, पढ़ लिख के सब ये बीए करके क्या कर रहे हैं बताइए, कोई सुविधा दे रहे हैं? अरे अधिकारी तो सुनते नहीं है, और रोजगार तो बहुत दूर है। डीएम के पढ़ने का औकात नहीं है, झगड़ा साल भर में आईएएस का एग्जाम होता है, इतने काबिलियत है, काहे नहीं निकाल लेते? निकाल लीजिए, बन जाएंगे। अरे तो भैया बनिए, अगर आपने ये अपनी बात कर रहे हैं, हम भी इन्हीं की बात कर रहे हैं, रोजगार रहेंगे, हम इन्हीं की बात कर रहे हैं ना, हमारे पिता ये अपनी बात कर रहे हैं, बताइए। अरे भैया जी, हाँ हमारे ऐसे बहुत से उदाहरण है जिन्होंने कुछ हमारे पिताजी ले कि हमको और जो किसने सारी बात का एक निष्कर्ष ये लोग बता दे कि राम मंदिर इनकी सरकार ने क्यों नहीं बनवाया? राम मंदिर की बात नहीं आ रही है, अब राम मंदिर उसकी भी बात करें, विकास की बात कर रहे हैं ना, बेरोजगार। राम मंदिर, राम मंदिर बनने से विकास हो गया? नहीं नहीं, वो विकास की बात छोड़ रहे हैं, विकास हो गया। अरे अरे, आप कैसे हुआ बताइए, आप वहाँ पर कभी गए हैं? वहाँ के जो फूल माली उनसे मिले हैं? गया हूँ वहाँ पे, उनसे फूल माली से मिले हैं आप? मिले। कितना रुपया उनका इनकम, एक दिन का इनकम है उनका, एक दिन का इनकम कितना है जो फूल माला वहाँ पे? उनका इनकम छोड़िए, जो और लोग हैं सब वहीं पर नहीं पड़ा राम मंदिर में ही सब लोग चले जाएं।
क्या बात, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं, जरूरी नहीं कि राम मंदिर ही जाएं, ये बात नहीं कह रहा हूँ मैं। पूजा तो घर पे बैठ के कर सकते हो। अच्छा सुने, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप पूजा घर पे बैठ कर बात कर रहे हैं, आप रोजगार दीजिए, विकास दिखाइए, हर जिले में विकास दिखेगा। मेरी बात सुन लीजिए, आप देखिए जो टायर पंचर हो जाएगा तो आप कहेंगे यहाँ पर खड़ा होकर हवा आ जा हवा आ जा, हवा आएगी, एक विशेष जगह जाना पड़ेगा आपको, आपको एक विशेष जगह जाना पड़ेगा, उसी तरह मंदिर भी जाना पड़ेगा आपको। जिस जगह जो मतलब जो बेरोजगार है वो मंदिर जाए, जो बेरोजगार है वो मंदिर जाए। अच्छा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के एक तो ऐड होता है, एक सेल होता है, और जरूरी नहीं कि क्या कहा जाता है दोनों ही। इतने लोग सरकार में रहे, कोई घर घर दिया रोजगार, बताइए, हम भी तो गाँव में घर के लोग हैं, जिले के ही नहीं दिया, लेकिन बताया जा रहा है 6 सालों में जो वैकेंसियां है वो अभी तक नहीं निकली। अरे आने वाले समय में सरकार बनेगी, इतना वैकेंसी आएगी कि सारे नौजवान एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अरे अभी तो निकाले थे, अभी तो निकाले थे, निकाले थे, वहाँ मिस्टेक हो गया, वहाँ लीक हो गया, तो सच्चाई ईमानदारी से काम हो रहा है 6 महीने से। ईमानदारी से तो लीक कैसे हुआ, ईमानदारी से लीक भाई, चोरवा बैठे हैं हर जगह, वो लीक कर दिए और वहाँ हैक कर लिए, तो जब योगी जी को पता चला तो वो जो है अपना काम किए हैं, बोले हैं 6 महीने के अंदर ही, हमारे घर के खुद 4 लड़का हैं, बच्चे 4 हमारे खुद ही हैं, 2 बच्ची हैं 2 लड़के हमारे हैं। पुलिस जिसकी उम्र चली जाएगी वो क्या करे? अरे उम्र तो कुछ लोगों की जाएगी, सबकी नहीं जाएगी, उनके लिए भी व्यवस्था है, घबराइए नहीं। बतावल जाए कुल फ्री फ्री चीज बाइक उठा ले जाते हमें लोग, ये ले जाते गाँव घर मनाइया लिया, खड़ा दिखाओ भाई, वीडियो दिखाओ, पहले दिखावा दिखावा वीडियो उठाई, सारा का पैसे जो है वो कब मिलेगा? तो आप आए थे मोदी जी की रैली में, पूछे नहीं क्या? पूछो, वो तो लगा था टेंट, कितना दूर लगा था, मिलने के लिए देंगे तो जाएगा ना कोई। अभी वो नेताजी थे आपके बीच में, अभी चले गए, बोल के गए कि यहाँ पे है, मतलब वो जहाज हवाई लैंड होगी, यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड किए। अरे जब तक अधिकारी नहीं सही होंगे कोई काम नहीं सही कर पाएगा। हाँ सरकार वहाँ देख के क्या करेगी? सरकार यहाँ अधिकारी लूट लूट के खा लैंड कर गया, जब यहाँ प्रधान सही नहीं, कार्यकर्ता सही नहीं, बताइए कैसे विकास? बिना नौकरी घूम रहे, बताइए पढ़ने के कोई क्या मतलब है? जाला क्या मतलब, फॉरन का टोपी लगा घूम रहे, देखिए ये घूम रहे, क्या करेंगे आप? ये विकास करेंगे, नहीं करेंगे विकास। हेलो हेलो, ऐसा है ये जो सिंचाई वाला जो बिल माफ किए हैं, घरेलू 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 बिजली मुक्त करा कर दिखाए जोगी जी, वादा किए तो चुनाव के थे, जोगी जी के मोदी के, जो घरेलू जो लाइन बिल है उसको माफ करके दिखाए, तो हम माने सरकार सही है, कितनी जनता परेशान बताइए उनसे, एक सिंचाई वाला माफ कर दिए हैं, उससे क्या फायदा होने वाला? हम गरीबों को भला होगा? एक गरीब इंसान से पूछिए किसके कहाँ सिंचाई का नलकूप लगा है, और घरेलू भी सबके पास में नाली नहीं है, पानी जो पानी हम लोग पास हो पानी दे रहे हैं, आप ही के साथ में है, ये नारा लगा रहे हैं, मोदी जो की जिंदाबाद जिंदाबाद, पानी निकलने की जगह नहीं है, पानी हमारे पास तो उपलब्ध है, पानी निकलने का जगह नहीं है, तो करना चाहिए ना, तो सब मोदी बनवाए तो आप क्या करोगे? सब मोदी बनवाए तो आप क्या करोगे? तो किस लिए हैं? किस लिए हम लोग कर रहे हैं भैया? मोदी करेंगे तो आप क्या करोगे? मोदी का सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ही चलिए हमारे गांव बनवा दीजिए, बताइए तुम चलिए बनवाइए, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? चलो सुनो, तुम आप क्या करोगे? जितना तुम्हारी पड़ी है ना, तुम चलो बनवाओ रोड, जितना तुम्हारे औकात है तो बनवा के दिखाओ, मतलब तुम्हें औकात नहीं है, तुम नाली नहीं बनवा सकते, इतना तुम्हारे में औकात नहीं है, नाली नहीं बनवा सकते, मैं क्यों बनवाऊँ? सरकार किस लिए वोट लेती है? अब तुम्हारा लायक घर भी साफ करे, झाड़ू तुम्हारे घर लगाए सरकार, इसलिए तुम वोट देते हो सरकार को, इसलिए तुम सरकार को वोट देते हो ना, तुम्हारे घर आके झाड़ू लगाए, और झाड़ू थोड़ा लगवाने के लिए बोल रहे हैं, नाली नाली ये लोग नाली नहीं बनवा सकते, खड़ंजा ये बनवा, नाली नहीं बनवा सकते। सुनिए भाई, सुनिए, आपकी उम्र कितनी है? 17। किस क्लास में पढ़ रहे हो? 11। कोई विकास हुआ है? विकास दिखा दो, बाल कटवा लिए उसी, 1 मिनट, पार्क नहीं बात होती है, विकास की बात करें, ये विकास दिखाओ, कहाँ पे विकास हुआ है?
बताओ क्या नहीं हो रहा है, बताओ विकास दिखाओ नहीं, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा बताइए, आपने बताइए नहीं क्या नहीं हो रहा वो बताइए ना, रोजगार नहीं मिल रहा है, सुनो रोजगार नहीं मिल रहा, युवा परेशान है, ये परेशान है, बताइए क्या करे, उनसे पूछिए, उनसे ऐसे रोड पे घूमे तो रोजगार थोड़ी नहीं मिलेगा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम भी तो पढ़ लिख के 17 साल का हो गए, पढ़ लिख के क्या कर रहे हो, अभी हमें रोजगार की जरूरत ही नहीं है, नहीं पढ़ाई लिखाई इसके बाद रोजगार छोड़िए ना, 17 साल उम्र है, 17 साल प्रचार कर रहे हो मोदी जी का, सपा खत्म हो गई और ये नवयुवक जो मुख्यमंत्री लीडर, सपा खत्म कहाँ हुई ये बताइए, कौन सी चीज निकाल सकती है सपा, बताइए बताइए, नौजवान जो है बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार देगा, कहाँ नौजवान, नौजवान घूम रहा है, चाहता तो बेच सकता है, 100 रुपये की कलम ले ले 102 रुपया पैदा कर सकता है, अच्छा। है लेकिन नहीं करेगा, आराम से बैठेगा मोबाइल टुक 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 चलाएगा, इससे क्या रोजगार मिलेगा, पढ़ लिखे वो कलम बेचे, पढ़ लिखे मैं भी एक ग्रेजुएशन करके कलम बेचे, 2014 में भी मैं इसी तरह से बनारस में मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं इसी तरह से लेकी वहाँ की जनता इसी तरह से, यहाँ क्या नहीं हुआ है, यहाँ पहली बात यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई कि नहीं हो गई, भ्रष्टाचार की पार्टी थी, छोटा आदमी गरीब आदमी एकदम है अकेला, भ्रष्टाचार की पार्टी थी अब तक, अब जो है मोदी जी आए सही पार्टी है, भ्रष्टाचार की पार्टी थी हम, भ्रष्टाचार पार्टी कहाँ थी, आपने भ्रष्टाचार करवाया, इसने भ्रष्टाचार करवाया, अखिलेश कभी भ्रष्टाचार करवाए बताइए, आप बताइए, ये जो घर घर नलकूप लग रहा है इसकी आपको जरूरत है, नहीं जरूरत है, क्यों नहीं, क्या जरूरत बताइए, क्यों नहीं जरूरत है सर, उसी 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 पैसा का लेकर बिजली माफ करवाते थे घर पर, यूपी में कहां बनू, हम ही सर यहां पर नहीं है, आपका ये कहां जाएगा बताइए, इससे क्या होगा, हमारी स्वस्थ खाना स्वस्थ कुछ स्वस्थ इसी जमीन में से पानी निकले, लोहे का पहले पाइप, अरे कुछ नहीं है, ऐसे दाबो ऐसे दाबो, रोजगार का माध्यम निकलेगा, नहीं नहीं नहीं, उसमें कचरा आता है, ठीक है, इधर से बोल रहे हैं आप, किस में, उसी पंप में, उसी पंप में कचरा आता है, कचरा आता है, कचरा वो रिफाइनरी मशीन होती है वो चल जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा आवा इधर आवा, मिला उन्हें लोग मिला, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, साइकिल अखिलेश यादव मोदी का नरेडी है, इसमें आ गए आप, आए हम आवा तो नहीं, साइकिलिया तो यहीं जुगा गई, कौन बड़ी बात है, घूमने आए थे, घूमे साइकिलिया चली है इतने, साइकिलिया चली मोदी का डाले हम, आए घंटा डाले हम, साइकिलिया डाले हम, अखिलेश चला थे, हाँ अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।